इसके अंदर हमारी ये बुक है, उसके अंदर हमें कुछ टॉपिक्स हैं, तो मैं उन टॉपिक्स के ऊपर पहले बात करूँगा कि ताकि अगर केस स्टडी आती है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सर ने बात बोली है तो हम उसको समझ सकें कि वो कैसी आ सकती है। तो जो हमारी बुक थी उसके अंदर पहली बात की गई थी फार्मिंग इशूज़ की, और उसके अंदर जो हमारे राइटर हैं उन्होंने ये बात बताई है कि पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन ये सिर्फ नाम का एग्रीकल्चर कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसके अंदर एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 22% है या 20% है। 18, 20, 22 ये तीन फिगर हैं, इस तरह की कंट्रीब्यूशन है, और इसके ऊपर कोई एयर नहीं है। अब जैसे कोई बोले कि 3 ईयर हमें दिए गए, 3 ईयर से ये बात की जा रही है, मैं बोलूँगा कि नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की हिस्ट्री से बात की जा रही है, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% है, कहीं तुम्हें 22 मिल जाएगी, कहीं 18 मिल जाएगी। तो एमसीक्यू में हमें वैल्यूज इस तरह की आ सकती हैं, या फिर हमें खुद से लिखनी होगी वैल्यू कि पाकिस्तान, जो पहला पॉइंट है हमारी बुक का उसमें बोला गया कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर की ज़्यादा है, और हमारी जो सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है वो 60% से ज़्यादा है। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है कि इंडस्ट्री के लिए, कि जो हमारी बुक थी उसके अंदर एग्रीकल्चर की बात की गई थी, लेकिन जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम से बड़ी बताई कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की ग्रोथ ही नहीं है। जैसे जितनी लैंड हमारे पास है और जितने हमारे पास चीज़ें हैं उसके बावजूद हमारी जो ग्रोथ है या प्रोडक्शन है वो नहीं है। तो इस वजह से असल में हमारी जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी नहीं है, और इसके लिए सिर्फ एक एमसीक्यू बन सकता है या केस स्टडी भी आ सकती है कि हमारा कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री क्यों नहीं है, और हमें अपनी वर्डिंग में डिफाइन करना पड़ेगा। कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करी थी उसमें ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं, तो उसके क्या वजूहत हैं। तो दूसरा पॉइंट ये था कि इंडस्ट्री के ऊपर कि पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल कंट्री है क्या, फिर बुक के अंदर ये बात की गई, तो इंडस्ट्रियल कंट्री भी पाकिस्तान नहीं है, इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है, और इंडस्ट्रियल कंट्री ना होने की वजह यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही नहीं है ऐसी कि जिससे गवर्नमेंट सपोर्ट करे उन लोगों को जो कि इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंडस्ट्री की जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में वो 18% है। तो उसके बाद हमारी अगली चीज़ आती है फिस्कल पॉलिसी प्रॉब्लम्स। फिस्कल पॉलिसी प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, जैसे टैक्स कलेक्शन की पॉलिसी हो गई और ये सारी जो चीज़ें, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, इंडिकेटर्स के अंदर बात आती है टैक्स टू जीडीपी रेशो, कि कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है और कितनी हमारी आबादी है, या हमारी जीडीपी कितनी और हम कितना टैक्स ले रहे हैं। तो इस बुक के अंदर सबसे बड़ी बात ये लिखी थी कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन डेवलपमेंट जितनी भी हुई है उस डेवलपमेंट से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ उन लोगों ने करी जो कि अमीर लोग हैं, जैसे कि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो भी है, तो वो टैक्स नहीं देते अमीर लोग। तो टैक्स टू जीडीपी रेशो 1970 के अंदर 2% था, ये मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक था टैक्स के ऊपर, तो उस पर मैंने बताया था कि 2% है, लेकिन अब पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो थोड़ा बढ़ गया और अभी 2020 के अंदर 12.6 है। ये अपने पास कोई लिखना चाहे लिख ले, वरना रिकॉर्डिंग से देख लेगा। 2020 के अंदर 12.6 है टैक्स टू जीडीपी रेशो, और 2019 के अंदर 9.9 था। तो ये इंक्रीज़ होता चला गया। इसकी वजह ये कि जो अभी गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने काफ़ी टैक्स ज़्यादा लगा दिए हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से जो हमारा रेशो है बढ़ा है। और जो उससे पहले हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो था, तो जो चार मैं बोलूँगा चार ईयर्स की मैं अगर बात करूँ, तो पहला ईयर जो है 2017 उसकी है 10.6, और दूसरा है 2018 जिसका 11.1, और फिर उसके बाद है 2019 जिसकी 9.9 है, और 2020 की 12.6 है। तो ये अपने पास वैल्यूज़ याद कर लो कि टैक्स टू जीडीपी रेशो की ये वैल्यूज़ हैं, और 1970 में पाकिस्तान की जो रेशो था वो 2% था, ये चीज़ ही पता होनी चाहिए। उसके बाद जो बात आती है वो जीडीपी पे आती है कि जीडीपी हमारी कैसी है। तो जीडीपी के जो मैं लास्ट 5 ईयर की बात करूँगा, मैं 3 ईयर्स पे नहीं जा रहा क्योंकि भरोसा नहीं है कि वो दे सकते हैं। तो लास्ट 5 ईयर की वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ।
4.6 जो है वो 2000 हमारी 15 की वैल्यू है 4.6, उसके बाद 16 की वैल्यू हमारी 5.2 और फिर 5.5, फिर 19 में 1.9 और अभी 2020 में जो है वो नेगेटिव में जा रही है जो कि -0.4 है। तो मैंने अभी जो हमारी बुक है उसके बारे में मैंने बताया कि हमारी बुक का स्टार्ट जो था वो ये बात से किया गया था कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री नहीं क्योंकि हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है सेक्टर की। उसके बाद इंडस्ट्री के ऊपर बात की गई तो इंडस्ट्री की कितनी कंट्रीब्यूशन है वो मैंने बताई, इंडस्ट्री की भी कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कोई नहीं है। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट का मेन काम होता है कि टैक्स कलेक्ट करके आवाम पे पैसा लगाया, तो टैक्स कलेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो टैक्स की कलेक्शन कितनी है उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। तो टैक्स की कलेक्शन जो अभी चल रही है वो $9 बिलियन पे पहुँची है और ये टैक्स की कलेक्शन के टारगेट गवर्नमेंट ने रखे थे, अगर मैं रुपीज़ में बात करूँ तो 4600 बिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट ने टारगेट सेट करा था और जो कि अचीव नहीं हो सका गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट बार बार अपने टारगेट चेंज करती जा रही है। तो टैक्स कलेक्शन के ऊपर मेरे लिहाज से MCQs जो है अगर आता है तो हमने ये बताना है उसमें, या अगर हमसे क्वेश्चन कर लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के टैक्स कलेक्शन के ऊपर बताएं, तो उसके अंदर तुम लोग को टैक्स टू GDP रेशियोज पता होने चाहिए जो मैंने बता दी, और टैक्स कलेक्शन जो है वो $9 बिलियन पाकिस्तान की हुई है और टारगेट जो था अगर वो रुपीज़ में सेट था जो कि 4600 बिलियन रुपीज़ था, तो ये टैक्स के ऊपर बात आई। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा इशू आ रहा है महंगाई का इशू आ रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट ये हमसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। तो मैं लास्ट 4 ईयर्स की बात करता हूँ तो 4.8 था, उसके बाद हुआ 4.7, फिर 6.8, फिर 10.74, जो अभी 2020 की मैं बात करूँ वहाँ पे 10.74 इन्फ्लेशन रेट हो गया है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हमारा। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट की मैं बात करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारा 3.95 था हमारा 2017 में, और फिर 4 हो गया हमारा 2018 में, और फिर 4.45 हो गया 2019। अच्छा 20 के ऊपर ये बात की जा रही है कि 2020 के ऊपर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सके, लेकिन जो एक्सपेक्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट था COVID-19 की वजह से वो 15% था, लेकिन 15% पाकिस्तान में नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी लगाई थी। तो पाकिस्तान का जो 2020 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहीं भी नहीं मिला मुझे उस तरीके से कि जिसमें बात की गई हो कि 15% था या फिर, लेकिन इतनी बात कंफर्म है कि वो मोर देन 4% था, या जो 2019 का था 4.4 उससे ज़्यादा ही था। अब उसके बाद आते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कहाँ पर पहुँची, तो एक्सपोर्ट जो थी पाकिस्तान की वो 3 ईयर की मैं बात करूँगा और अभी जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है उसकी मैं बात करूँगा, तो हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो $28 बिलियन थी 2020 में, 2019 में भी इतनी ही थी, और 2018 के अंदर $25 बिलियन थी, ठीक है एक्सपोर्ट ये थी। अब उसके बाद करंट अकाउंट की बात की जाती है कि करंट अकाउंट हमारा क्या था, तो करंट अकाउंट जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि करंट अकाउंट के बारे में लिखें, तो करंट अकाउंट हमेशा हमारा डेफिसिट में ही रहा है, सिर्फ अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है इसमें वो सरप्लस में आया हुआ है, तो उसकी एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं मिली, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि हमारा जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की अकाउंट करंट अकाउंट की वो हमेशा डेफिसिट में ही रहा, लेकिन जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था तब सरप्लस में आया था क्योंकि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट थी जूट की वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो हमारी बुक है इसके अंदर ये बात भी लिखी हुई है कि बांग्लादेश जब हमारे साथ था तब हम सरप्लस में थे, लेकिन जब अलग हो गया तो हम लोग डेफिसिट में आए, लेकिन अभी इस टाइम पे पाकिस्तान सरप्लस में चल रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो लोन है उस लोन की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के ऊपर कितना लोन है अभी ओवरऑल, तो लोन जो है पाकिस्तान पे करंट 2020 की मैं बात कर रहा हूँ वो है $35 बिलियन और 2019 में कितना था हमारे ऊपर, 2019 में हमारे पास था $30 बिलियन और 2018 में $24 बिलियन था। तो अभी पिछले 2 साल के अंदर $10 बिलियन से ज़्यादा का नया लोन लिया गया है, तो ये लोन के ऊपर मैंने बात करी। अब इसके अंदर जो हमारी केस स्टडीज़ हैं जो कि मुझे मैंने सर की जितनी क्लासेस थी वो सारी ली हैं और मैंने गौर से सुनी है बातें, तो सर का हमेशा एक मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हाँ मैं ये बता रहा था कि अभी तक मैंने ना जितनी वैल्यूज़ बता दी वो मेरे नज़र में इम्पोर्टेंट थी और
जो वैल्यूज मैंने नहीं बताई वो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो एक पीडीएफ जो मैंने शेयर करी थी उसमें काफ़ी सारे वैल्यूज थी, वो वैल्यूज मैंने नहीं याद करी क्योंकि मुझे पता है कि सर की सर इस तरह कर ही नहीं सकते कि 30 नंबर के सिर्फ एमसीक्यूज देंगे, और अगर एमसीक्यूज आए भी तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, तो जिसकी वजह से वो मैंने मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी आवाज़ आ रही होगी सबको, तो मैंने सारी जो वैल्यूज थी जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी वो मैंने बता दी, और वो कोई अगर रह गया तो वो रिकॉर्डिंग में देख सकता है कि मैंने कौन सी वैल्यूज बताई हैं। तो मैं केस स्टडी की बात कर रहा था कि एमसीक्यूज तो मुझे पता है 10 नंबर के ही आने, उससे ज़्यादा के नहीं आने, केस स्टडी मेन चीज़ है। तो केस स्टडी के अंदर मेरे हिसाब से जो मुझे आइडिया है वो ये है कि जो एग्रीकल्चर का इशू था, जैसे कि एक सर ने स्टोरी बताई थी क्लास के अंदर जिसमें बोल रहे थे कि पाकिस्तान में कोई भी अगर चीज़ आती है ना वो अमीरों के लिए आती है, तो उसकी एग्जांपल का एक स्टोरी बुक के अंदर मौजूद है कि एक ट्रैक्टर जो है वो जो हम मिले थे पाकिस्तान में, पहले ट्रैक्टर नहीं होते थे, मतलब जो एग्रीकल्चर था वो सारा मैनुअल था, मशीन्स नहीं थी। तो जब ट्रैक्टर आए थे तो सिर्फ उन्हीं को मिले थे जिनके पास ज़्यादा पैसे थे, अमीर लोग थे, और गरीब लोगों को नहीं मिली। और या उनको मिली भी तो उसकी जो कॉस्ट थी वो इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी मशीनरी होती है वो जब हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है जब हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन इतनी हो कि हम उसकी कॉस्ट अफोर्ड कर सकें। तो वो उनका मकसद ये था कहने का कि कोई भी चीज़ आती है ना तो वो उसमें फ़ायदा से अमीरों को होता है। तो एक केस स्टडी ये थी कि पाकिस्तान में जैसे ये एग्रीकल्चर में ये मशीनरी आई तो उससे भी फ़ायदा सिर्फ उनको ही हुआ। और दूसरी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान में जो हमारी एग्रीकल्चर है इसके अंदर जो जिनके पास लैंड है सिर्फ वही लोग कामयाब हैं, और बाकी जो लोग हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उनको उस लिहाज से अमाउंट नहीं मिलती। तो एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा इशू ये था कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, और जिसके बारे में सर ने बताया था कि इंडिया के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने जितने भी लोग लैंड लॉर्ड्स थे उनसे ज़मीनें ले ली थी और हर एक में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी ताकि इक्वलिटी आ जाए, और पाकिस्तान में इक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये सर ने बताया भी था, ये शायद एमसीक्यू में भी बोल दें कि 400 पीपल्स के पास मोर देन 90% लैंड है। सर ने अपनी मीटिंग वो प्रेजेंटेशन हुई थी उसमें बात बता रहे थे कि चंद लोगों के पास ही सारा सब कुछ है और बाकी लोगों के पास नहीं है। तो एग्रीकल्चर जो मेन इशू है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर ही है केस स्टडी के लिहाज से। उसकी वजह है कि एग्रीकल्चर पहली चीज़ ये बतानी होगी कि हमें पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन वो सिर्फ नाम का है, असल में यहाँ की जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो बहुत कम है, वो 20% है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर है वो फेयर नहीं है, जिनके पास लैंड ज़्यादा है वही लोग इसमें कामयाब हैं, और अगर कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती है तो उसका भी फ़ायदा सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास चीज़ें ज़्यादा हैं। और दूसरा है कि पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती है एग्रीकल्चर में कि जो मतलब बड़े वडेरे होते हैं वही लोग इलेक्शन जीतते रहते हैं, तो उसके बारे में भी हमें बताना होगा। फिर इंडस्ट्री के ऊपर हमारी बुक के अंदर बात की गई थी, तो इंडस्ट्रियल कंट्री पाकिस्तान नहीं है, इंडस्ट्री पाकिस्तान की ख़राब है। उसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री की जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो भी बहुत कम है, और इंडस्ट्री की जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 18% है, मतलब एग्रीकल्चर से भी कम। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करती है, मतलब जो लोग हैं यहाँ पे मोर देन 60% वो सिर्फ जॉब्स करते हैं। तो ये तीन जो वैल्यूज़ हैं कि सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द GDP ऑफ पाकिस्तान, ये एक इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में केस स्टडी आ सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर जो टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स हैं, अब टैक्सेशन के अंदर यह है कि टैक्स कलेक्शन कितनी है और कितने लोग टैक्स नेट के अंदर हैं। टैक्स नेट के अंदर सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2% लोग हैं आबादी के, 2%। और यहाँ पे टैक्स कलेक्शन की जो मेरी प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर मैंने ये बात बताई थी कि यहाँ पे इतने ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मिलीनियर्स हैं लेकिन वो टैक्स नेट में ही नहीं है, और जो टोटल टैक्स नेट में लोग हैं वो शायद 7 लाख हैं या अब 1 लाख से वो 10 लाख से ज़्यादा हो गए, मतलब मोर देन 1 मिलियन, जबकि आबादी यहाँ की 200 मिलियन से ज़्यादा है। तो जो हमारे लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं उनकी तादाद बहुत कम है, तो टैक्स के ऊपर आ सकता है, टैक्स एवेजन इन पाकिस्तान के ऊपर केस स्टडी आ सकती है, और जो टैक्स टू GDP रेशियो भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है हमारा कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है GDP के मुताबिक वो कितनी है। तो उसकी फिगर से मैंने बताई थी कि 2020 में तो अभी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए जो कि 12.6 पे हो गई है,
लेकिन पहले बहुत कम हुआ करती थी ये। तो अभी जैसे पिछले साल की बात करें तो उस टाइम 9.9 थी, तो ये अभी इंक्रीज हुई है। तो हमारे एग्रीकल्चर की केस स्टडी आ सकती है, इसके अलावा इंडस्ट्री की आ सकती है, टैक्स कलेक्शन की आ सकती है, उसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर आ सकती है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। तो डेवलपमेंट के लिए बारे में ये हमें केस स्टडी हो सकती है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट भी सिर्फ उन्हीं इलाकों में हो रही जो कि अमीर इलाके हैं, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में बहरिया टाउन जैसा स्ट्रक्चर हर जगह मौजूद नहीं है, सिर्फ चंद इलाके हैं जो कि अमीरों के हैं। तो डेवलपमेंट के बारे में इस बुक में यही लिखा हुआ था कि डेवलपमेंट जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं हो रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, लोग इंडिविजुअली प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि अपने तौर पे बिजनेस क्रिएट करें, लेकिन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। उसके अलावा पॉवर्टी और इनइक्वलिटी, इन इशूज़ जो हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर भी केस स्टडी आ सकती है कि यहाँ पे 2 करोड़ जो लोग या यूथ है हमारी वो स्कूलों से बाहर है। ये भी सर ने बात बताई थी कि मतलब कितनी आबादी बनती है मिलियंस में, अगर हम बात करें तो 20 मिलियन कह सकते हैं हम, इतने लोग हमारे जो हैं स्कूल नहीं जा रहे। तो हमारी जो यूथ है और जो हमारी आबादी है, लेस जो यंग आबादी है वो 60% है, ये चीज़ भी सर ने बताई थी। और उसमें से 2 करोड़ जो लोग हैं वो स्कूल नहीं जाते, तो ये पुअर्टी की वजह से। और पुअर्टी जो है यहाँ पे 35% है, वो भी ओवरऑल पाकिस्तान में। और अगर हम अर्बन और रूरल का डिफरेंट करें तो वहाँ पे अर्बन में तो 45% तक जा रही है, और रूरल जो है वो रूरल में 45 जा रही है, और अर्बन के अंदर हमारी 23% के करीब पुअर्टी है। और पुअर्टी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है करेंसी डिफरेंस की वजह से। और करेंसी डिफरेंस भी हमसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान और डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। अभी मैंने आज चेक करा था तो 158 था। इसी तरह दूसरी करेंसी का भी पूछ सकते हैं, यूरो का हो गया, तो करेंसी डिफरेंस। और उसके बाद इन्फ्लेशन रेट है, करेंसी डिफरेंस की वजह से इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है। तो जो महंगाई है वो अभी 10.74% पे चली गई है इन्फ्लेशन जो है हमारी, और पिछले साल जो थी वो 6.8 थी, और उससे पिछले साल 4.7, 4.8 इस तरह थी। तो कभी भी इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुई, अभी पहली दफ़ा हुई है पाकिस्तान में कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है। और जो हमारा कर्जा है पाकिस्तान के पास, जब रिसोर्स ही नहीं है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रही, और टैक्स कलेक्शन जो है जो कि सिर्फ $9 बिलियन है, तो पाकिस्तान की अपनी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिलिट्री का बजट है वो $6 बिलियन है। 6 बिलियन डॉलर मतलब रुपीस में हम बात करेंगे तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है, लेकिन टैक्स कलेक्शन कम है और मिलिट्री का बजट और दूसरी जगहों पे इतनी ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को डेब्ट लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, और कर्जा लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ता है। तो जो अभी करंट सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में $11 अरब कर्जा लिया है, और अभी जो टोटल कर्जा हो गया पाकिस्तान के ऊपर वो $35 बिलियन है, और पिछले साल जो था वो $30 बिलियन था, और उससे पिछले साल $24 बिलियन था। तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो ये। उसके अलावा यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात होती है, तो जो एक्सपोर्ट है वो तो हमारी पिछले 2 साल से सेम ही है, जो कि $28 बिलियन है, और उससे पहले 2 वर्ष 2017 के अंदर $25 बिलियन थी। तो एक्सपोर्ट में हमारी ग्रोथ नहीं आ रही, लेकिन जो करंट अकाउंट की अभी सिचुएशन है वो पाकिस्तान सरप्लस में है, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट फिगर है सर मुझे नहीं मिली। और पाकिस्तान के बारे में ये है कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जा जो है वो डिफरेंट चीज लोगों से लिया हुआ है, जैसे IMF से भी लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से भी लिया हुआ है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लिया हुआ है। तो अब इनकी अलग अलग एग्जैक्ट फिगर्स भी मुझे नहीं मिली कि किस बैंक से कितना कर्जा लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से सर जो है वो ओवरऑल एग्जैक्ट ही पूछेंगे कि पाकिस्तान पे टोटल कितना डेब्ट है। उसके अलावा पाकिस्तान का जो एक मेन इशू है वो है डेवोल्यूशन एंड फिस्कल फेडरलिज्म, के जो पाकिस्तान की लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास अख्तियारात नहीं है, जैसे कराची के बारे में ये बात की जाती है। तो इसके ऊपर भी केस स्टडी दे सकते हैं कि हमारे अपने शहर का जो इशू है कि यहाँ पे ऐसा क्यों है कि जो हमारे मेयर था उसके पास इख्तियार नहीं थे, या जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है कराची की उसके पास इख्तियार नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी टैक्स कलेक्शन होता है वो फेडरल लेवल पर होता है, और फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास पूरी नॉलेज नहीं होती, या उनको पता नहीं होता कि किस किस बंदे की कितनी इनकम है, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता, लोग बिजनेस कर रहे होते हैं और उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, तो फेडरल गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं ले पाती। तो जब टैक्स कलेक्शन कम होती है तो फेडरल गवर्नमेंट जब डिस्ट्रीब्यूशन करती है प्रोवेंसेस को,
तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो पॉपुलेशन की बेस पे होती है, और पॉपुलेशन जो है यहाँ पे सही ली नहीं जाती। सेंसस जो है उसके बारे में ही जो इतना प्रोटेस्ट होते हैं कि यहाँ पे सेंसस जो है वो अनफेयर है कराची के लिए, तो खास करके बात बोली जाती है। तो इस बात भी सर ने बोली थी कि 3 करोड़ की आबादी को 2.5 करोड़ दिखा दिया कराची के बारे में, तो ये भी एक इशू है। तो जब यहाँ की आबादी कम दिखा दी गई तो यहाँ के लिए फंड्स कम जाएंगे। अब जब फंड जो भी जितने भी आ रहे हैं वो फंड भी यहाँ तक नहीं पहुँच रहे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट रख लेती है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है, लोकल गवर्नमेंट तक पहुँचता कुछ नहीं है। तो ये भी इसके ऊपर भी हमें केस स्टडी दी जा सकती है कि इशू ऑफ कराची के, कराची के साथ क्या प्रॉब्लम है और यहाँ पे जो फंड्स हैं उसकी क्या वजह है कि नहीं पहुँच पा रही, डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। तो 3 से 4 ये जो मैंने चीज़ें बताई कि एग्रीकल्चर के ऊपर इशू के ऊपर मेन केस स्टडी आ सकती है, इंडस्ट्री के ऊपर आ सकती है, पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर आ सकती, पॉलिसी जो फिस्कल पॉलिसी होती है टैक्स कलेक्शन की उसके ऊपर आ सकती है, और उसके अलावा ये पुअर्टी और इनइक्वालिटी के ऊपर आ सकती है कि जितने यूथ हैं हमारी स्कूल नहीं गई, ये चीज़ें, और डेवलपमेंट के ऊपर आ सकती है कि जो डेवलपमेंट है वो इक्वल डेवलपमेंट नहीं है, और केस स्टडी आ सकती है। बाकी जो रेट्स हैं वो मैंने बता दिए। अब कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर ऐसा मुझे नज़र आ रहा है जो होगा, जो हमें नहीं पढ़ाया गया होगा या आउट ऑफ सिलेबस होगा, तो वो पिछली बार भी हुआ था, लेकिन ये है कि सर एंड में हमारे मार्क्स इंक्रीज कर देते हैं, पिछली बार भी हमें मार्जिन दिया था, तो वही चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल मेरी तैयारी इतनी है कि जो प्रेजेंटेशन हुई थी वो जब मैंने बुक रीड करी तो मुझे आइडिया हो गए, याद आ गई, तो उनमें से 3-4 केसेस मुझे याद है वो मैंने अभी बता दी, और जो वैल्यूज़ मैंने निकाली वो नेट से निकाली थी वो भी बता दी, और जो एक PDF है पूरी वैल्यूज़ की वो मैंने याद नहीं करी, वो बहुत ज़्यादा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ पेपर में नहीं आनी, और ऑन स्पॉट जिसका दिमाग चलेगा वही ज़्यादा बेहतर पेपर अटैम्प्ट करेगा। तो 30 मार्क्स सही है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वो मैंने डिस्कस कर दिया। कोई और अगर कुछ बताना चाहता है आइडिया अपना तो बता दे। किसी और के पास अगर कोई आइडिया है तो बता दे किस तरीके की स्टडी आ सकती है, मेरे पास इतने ही आइडिया थे। चैट पे सब बोल रहे हैं कि हम खुद, हमें कोई कुछ नहीं आता, हम क्या बताएं भाई, आइडिया किसी के पास भी आ सकता है, ज़रूरी थोड़ी है किसी ने पढ़ा हो। तो मैं बता दो यार, मैंने मुझे जो आइडियाज़ थे वो मैंने बता दिए कि हमारी जो एग्रीकल्चर के ऊपर आ सकता है, इंडस्ट्री के ऊपर आ सकता है, टैक्स इश्यूज। तो सर ने तो थ्योरी का बोला ही नहीं था। नहीं सर ने बोला था केस स्टडी आएगी और एमसीक्यू सिर्फ 10 नंबर के आएंगे, 30 नंबर वाला कोई, 30 नंबर के एमसीक्यू होते ही नहीं है कभी भी किसी पेपर में, मजाक थोड़ी हो रहे हैं। और अच्छा पेपर 40 नंबर का आएगा असल में, हाँ 30 का वो नहीं तो आएगा। ठीक बात है तुम्हारी। और मैं कह रहा था कि पेपर जो है ना 40 का आएगा और उसमें से 10 के सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, और बाकी जो 30 का होगा ना वो केस स्टडी होगा, वो हमारी लक होगी उस टाइम हमारा माइंड चले। लेकिन जिसने बेहतर बुक रीड करी होगी, बेहतर प्रेजेंटेशंस करी होंगी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? तो प्रेजेंटेशन तो हमने सिर्फ सब मतलब चैप्टर वाइज की है ना, तो अब तो किसी भी चैप्टर के साथ आ सकता है कोई भी क्वेश्चन, तो वो कैसे हमें पता चलेगा? हमने 30 चैप्टर थोड़ी पढ़े हैं। हमने 30 चैप्टर नहीं पढ़े, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो सर ने, सर के इंटरेस्ट थे, सर के इंटरेस्ट क्या थे वो मैं बता रहा हूँ कि सर को एग्रीकल्चर के इशू पे बड़ा इंटरेस्ट था, उसमें सर बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, इसके अलावा इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहे थे, IMF के ऊपर बात कर रहे थे, पुअर्टी के ऊपर बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर रहे थे, और सर्विस सेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे, और टैक्सेशन के इशू के ऊपर बात कर रहे थे, और कराची के इशू के ऊपर बात कर रहे थे। तो 5 से 6 सर की नज़र में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सर ने बार बार उन्हीं के ऊपर बात करी, तो मैं ये समझता हूँ उन्हीं के ऊपर केस स्टडी आएगी, और सर फिर हमारा माइंड का लेवल चेक करेंगे किसको कितना, में कौन कितना सुन रहा था। अच्छा
तो एमसीक्यू 10 नंबर के आएंगे, उनमें वैल्यूज होंगे और हमें 4 में से कोई एक पिक करना है, तो उधर तो वैसे भी हमारे सही हो जाएंगे, उसका तो मसला ही नहीं है। मसला आएगा केस स्टडी के लिए, और केस स्टडी के लिए मैं यही बोलूंगा बुक रीड करे कोई तो उसके लिए बेहतर रहेगा, और बुक रीड करके नॉलेज में इजाफा होगा हमारी, और हम फिर बेहतर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैंने बुक पूरी रीड नहीं करी उस तरीके से, लेकिन मैंने सिर्फ टॉपिक्स देखे और मुझे प्रेजेंटेशंस में जो जो बातें याद थी वो मैंने बता दी कि उसी के लिहाज से केस स्टडी आ सकती है, लेकिन पूरी बुक मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि पूरी बुक पढ़ना आसान नहीं है। तो जो वैल्यूज हैं वो मैंने, जो हाँ एम्स बोलो, क्वेश्चन आएंगे तो वो तो तुमने जो PDF सेंड की थी उसमें से देख सकते हैं हम, यार वो पीडीएफ जो मैंने नहीं, तुमने मैं कह PDF रहा हूँ वो शेयर पीडीएफ, करी उसमें से एम्स आ सकते हैं। पीडीएफ मैं तो नहीं वो कर रहा, वो पीडीएफ इतने ज्यादा वैल्यूज हैं मैं इतनी ज्यादा याद नहीं कर रहा, हेलो, आप आवाज नहीं आ रही मेरी, आवाज आ रही है? मैं ही कह रहा हूँ वो अच्छा पीडीएफ मैं, हाँ यार मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं ही कह रहा हूँ कि हमारी जो क्लासेस जितनी हुई थी ना यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर जो मेन टॉपिक्स थे और जिस पर सर ने ज़्यादा बात करी थी उन्हीं टॉपिक्स पे गौर करना है, मुझे जितने याद आ रहे थे मैंने वो बता दिए कि ये टॉपिक्स थे, और जो वैल्यूज़ हैं जो पीडीएफ मैंने शेयर करी है जिसमें सारी वैल्यूज़ हैं, वो सारी वैल्यूज़ मैंने याद नहीं करी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं और वो सारी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने अभी इस वीडियो में शुरू में बता दी थी, तो ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो सब लोग देख लेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि केस स्टडी जो मेरे हिसाब से होती है वो यही होती है कि सर एक, तो हाँ ये सारे MCQ बेस्ड आ रहे हैं ना, थ्योरी कुछ भी नहीं है। नहीं, सारे MCQs बेस नहीं है, केस स्टडी होगी एक, मतलब MCQs 10 होंगे, बाकी 30 नंबर के ना वो एक क्वेश्चन होगा केस स्टडी का, मतलब वो एक हो या दो या तीन हो वो सर के ऊपर है, तो क्वेश्चन जो होंगे ना वो इस तरह के हो सकते हैं। सर ने उसके बारे में कोई डिटेल नहीं बताई, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी ये है, जो एग्रीकल्चर का इशू है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर वो बोल देंगे अपनी अपना ओपिनियन बताओ, या जो वजह है कि एग्रीकल्चर तो यहाँ पे अच्छी नहीं है। अभी तो ये तो मतलब ये क्या बात हो गई, सर ने जो लास्ट इतनी क्लास बड़ी पीडीएफ लास्ट करनी क्लास ली पड़ेगी। थी सर ने जो लास्ट क्लास ली थी तो उसमें क्या बोला सर ने, कुछ बताया नहीं? सर ने बताया था ना कि केस स्टडी आएगी और जो एमसीक्यूज है ना वो पूरा पेपर एमसीक्यूज बेस नहीं होगा, और 40 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन उसके जो वेटेज है अच्छा ना वो 30 की होगी, मतलब पेपर से 40 असली होगी, डिपार्ट में देना होता है ना तो उनको दिखाना होगा कि हाइब्रिड मॉडल फॉलो करें, ऐसा तो नहीं कि हाइब्रिड से भी ज़्यादा वो हमें कर दें, हाइब्रिड में 60 लिखा था, हाँ ठीक लेकिन वो नंबर हमें 70 सही, उसमें से फ्री में देंगे, लेकिन 30 नंबर हमें मिलने उसमें से, तो हाँ समझ उसमें से 10 तो एमसीक्यूज हैं। अब एमसीक्यूज की जो वैल्यू, सही, वो जो मैंने एक पीडीएफ शेयर करी थी जिसमें बहुत ज़्यादा है, वो सारी नहीं करो, इस वीडियो के शुरू में मैंने बताई भी है कि कौन सी चीज़ें करो,